बरौली अहीर साईनाथ कॉलेज में एक बैठक का आयोजन किया गया और उस बैठक में जो वित्त विहीन से MLC चुने गए डॉक्टर आकाश अग्रवाल, उनके नेतृत्व में वो बैठक की गई और उस बैठक में तमाम कॉलेजेस के जो मालिक हैं वो मौजूद रहे। मेरे साथ में चंद्रा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के करतार चंद शास्त्री जी हैं। सर, किस चीज़ को लेकर बैठक का आयोजन किया गया था जो कल? कल हमारी साईनाथ डिग्री कॉलेज बरौली अहीर में डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी MLC शिक्षक MLC हैं, उनके तत्वावधान में हुई कि जो UP बोर्ड का रिजल्ट है हाई स्कूल इंटर का, उसमें बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। उसका परीक्षाफल जो है आनंद फानंद में निकाला गया है। पूर्ण रूप से पहले से कोई उन्होंने योजना नहीं बनाई कि हम किस स्तर से विद्यालय का रिजल्ट निकालेंगे। जो परीक्षाफल घोषित किया गया है उसमें विद्यालय द्वारा हाई स्कूल के लिए कक्षा 9th के हाफ ईयरली एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम, कक्षा 10th के हाफ ईयरली एग्ज़ाम और प्री बोर्ड के अंक मांगे गए थे, जो कि विद्यालय प्रबंधकों ने, विद्यालय के प्रधानाचार्यों ने, विद्यालय के शिक्षकों ने गहन अध्ययन के साथ टीचरों का, बच्चों का जो प्रथम स्थान का बच्चों का किस कैडर के बच्चे थे परीक्षा दी उन्होंने, और उसको दृष्टिकोण रखते हुए बिल्कुल निष्पक्ष भाव से जो अंक भेजे थे। और इसी प्रकार इंटर के लिए कक्षा 11 के हाफ ईयरली एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम, इंटर के हाफ ईयरली एग्ज़ाम और प्री बोर्ड के एग्ज़ाम, इनको भी बड़ी सुस्तापूर्वक कॉपियाँ को चेक करते हुए और इनके अंक बोर्ड की साइट पर चढ़ाए गए। जिन बच्चों का हाई स्कूल में बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया था कि 70 में से आपके अंक चढ़ाए जाएंगे लिखित के और 30 नंबर प्रैक्टिकल होगा, और जो इंटर के थे जो 100 नंबर के थे 100 नंबर के हिसाब से चढ़ाए गए, जिनमें प्रैक्टिकल था 30 नंबर का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, उसमें 70 में से चढ़ाए गए। जो शासन का आदेश था, जो हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद का बोर्ड द्वारा मूल्यांकन का दृष्टिकोण रहता है, क्योंकि सभी विद्यालय पुराने विद्यालय हैं, सभी को सब चीज़ें आती हैं, सब जानकारियाँ हैं, सारे विद्यालयों के जो भी टीचर्स हैं वो बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन करते हैं, एग्जामिनरशिप में जाते हैं। तो मैं नहीं जानता किसी भी विद्यालय के प्रबंधक से या किसी भी विद्यालय के प्रवक्ता से या मैनेजर से या प्रधानाचार्य से कोई गलती हुई होगी, लेकिन बोर्ड द्वारा दिशा निर्देश न दिए जाने के कारण केवल ये कह दिया गया कि आप 70 नंबर में से आप इनको दीजिए या 100 नंबर में से दीजिए, 100 में से ही दे सकते हैं और 50 में उसमें से 70 में से भी दे सकते हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा भी जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा साहब हाँ एक लेटर आया हुआ है, उसमें आप 70 में से आप रिटर्न में चढ़ाएंगे और 30 नंबर का आप प्रैक्टिकल के चढ़ाएंगे जो है। उस प्रक्रिया के अधीन सब लोगों ने काम किया, उसके नंबर चढ़ाए। जब परीक्षाफल आया तो जो अंक विद्यालय द्वारा दिए गए थे, आवंटित किए गए थे, जो बच्चों ने एग्जाम हुए थे विद्यालय स्तर, कोरोना बीमारी के चलते हुए विद्यालय बहुत समय तक बंद रहे, विद्यालय नहीं खुले, लेकिन इतने वर्षों से जब बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है तो हम उसकी गतिविधियाँ उसकी पिछले रिकॉर्ड के अनुसार हमने देखा कि बच्चा सही है और उसके किसी से भेदभाव ना करते हुए उसके अंक भी प्रदान किए, और विद्यालय की, अपने बोर्ड की, अपना शिक्षा विभाग की गरिमा को बनाए रखते हुए उसके अंक प्रदान हुए। लेकिन जब रिजल्ट आया, परीक्षाफल आया, तो जो बच्चे 80-85% के जो अंक दिए गए थे वो 60% तक कैसे रह गए ये हमको कोई जानकारी नहीं हो पाई। जानकारी मेरिट बोर्ड से ली गई, उनके पास भी कोई उसका जवाब नहीं था, वो कहे साहब शासन के द्वारा जो काम किया गया है वो उससे हमने काम किया है और एजेंसी ने नंबर चढ़ाए हैं। तो जब भी बताइए कि जब एजेंसी है तो एजेंसी को सूचित कौन करेगा? मैं अपना विद्यालय चलाता हूं तो मैं अपने प्रिंसिपल को जो आदेश दूंगा, जो अपना कार्य करने की शैली बताऊंगा, वो उसी हिसाब से काम करेगा। वो उसके अधीन टीचर रहते हैं, वो उनको बताएगा, और टीचरों के अधीन बच्चे रहते हैं, वो उस हिसाब से तैयारी करेगा। जब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं तो ये कैसे माना जा सकता है कि 90% वाले 90 बच्चे को आपने 60% दे दिए? चलो कोई बात नहीं, वो भी वहाँ तक सही था जो है,
उसके बाद जो भी आपने उन बच्चों के, बहुत से बच्चों के उसमें प्रमोट कर दिया गया है, जब प्रमोट कर दिया गया उनके अंक नहीं दिए गए हैं, जहाँ भी विचार अब जैसे कि इंटर के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए बच्चा जाता है बीए बीएससी बीकॉम में कहीं भी एडमिशन लेता है, तो उससे सबसे पहले अंक मांगे जाते, तो वह अंक क्या है, जब वो अंक नहीं दर्शा रहा है, प्रमोट दर्शा रहा है, तो उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पा रहा है, वो आगे की शिक्षा को नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। सवाल ये है कि बोर्ड ने शासन के लिए टाल दिया, बोर्ड ने कहा कि एजेंसियां जाने इस चीज़ के लिए, बोर्ड ने पल्ला झाड़ लिया, भविष्य में अगर स्टूडेंट की बात करें तो उसके जो जो मूल्यांकन जिस तरह से इन्होंने किया है उससे कितना उसके भविष्य पर प्रभाव पड़ने वाला, दुष्प्रभाव पड़ने वाला। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जिस बच्चे को प्रमोट कर दिया है तो उसके अंक उसमें है ही नहीं, तो उसका भविष्य तो अधर में लटक गया, अब वो किसी काम को किस बात को कैसे क्या कर सकता है जो है। अब आपने कुछ बच्चों का रिजल्ट बिलट कर दिया तो बिलट में तो कुछ आया ही नहीं, अब जो परीक्षा घोषित करने के बाद तो माध्यमिक शिक्षा परिषद की साइट पे ये आया था कि जिन बच्चों को इस अंकों से संतुष्टि नहीं है उसके लिए हम एग्ज़ाम कराएंगे और सितंबर में एग्ज़ाम कराएंगे, उसके लिए फॉर्म आएंगे, तो उसके लिए तो हमारे लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय सराहनीय है कि कोई बात नहीं, बच्चे को मौका दिया जाएगा कि अगर इस अंकों से संतुष्ट नहीं है या विद्यालय ने अंक दिए हैं और उसको किस रेशो से उन्होंने दिया है तो उसको हम भुला सकते हैं, नए एग्ज़ाम दे सकते हैं, बच्चा तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों का नंबर ही नहीं दिए उनको, उसको आप कैसे देखेंगे और उसकी मार्कशीट कैसे ले उसमें काम में आएगी, मुझे नहीं लगता कोई मार्कशीट किसी में काम में आएगी। भविष्य अधर में लटका हुआ, कुछ अधर में लटका हुआ था, यही हालात रहे तो फिर कैसे देखते हैं। देखिए बच्चा जो है प्रतिदिन, बच्चा बोर्ड को जानता नहीं है, बच्चा सरकार को नहीं जानता है, बच्चा तो केवल विद्यालय को जानता है, विद्यालय पर अंकुश लगा रहा कि सर आपने हमारे अंक नहीं भेजे होंगे, कुछ भूमिका ऐसी रही है कि वो सोच रहे हैं कि विद्यालय द्वारा अंक नहीं गए हैं तो विद्यालय वाला उसको नंबर भी दिखाता है, लेकिन बच्चा गार्जियन उनकी बात पे विश्वास ही नहीं करता है, उसका बिल्कुल विश्वास टूट गया है कि आपने मेरे नंबर नहीं बढ़ाए, क्योंकि कुछ विद्यालय वाले ही ऐसे होते हैं कि वो कह देते साहब तुम्हारे नंबर तो भेज नहीं होंगे, नहीं तो हाई कॉलेज ने तो भेजे कैसे आगे जीवे। अब उससे दोनों के बीच में, पाठों के बीच में बच्चा पिस रहा है, जिसके उसके भविष्य में जो है अंधकार दिखाई दे रहा है। कॉलेज की भी खराब होगी इसमें कि क्योंकि बच्चा गवर्नमेंट को नहीं जानता है, बोर्ड को नहीं जानता है, फिर कॉलेज के पास ही आएगा वो, तो छवि नहीं, छवि तो सबसे फर्क तो छवि का है, क्योंकि विद्यालय जो अपनी छवि बना के बैठा हुआ है, विद्यालय इतने अपने विद्यालय उसको संचालित कर रहा है, अपने निजी खर्चों पर संचालित करता है, बच्चों से जो फीस आती है उसी में चलाता है, दो साल से फीस भी नहीं मिल रही है, किस तरह से मैनेज कर रहा है वो विद्यालय जानता है, लेकिन अब बच्चा तो सीधे कॉलेज को जानता है, कॉलेज वाला इतना परिश्रम करने के बाद किसी बच्चे का अन्याय ना होने के कारण ना हो जाए, इसलिए वो सहानुभूति रखते हुए उसका प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बोर्ड द्वारा भी कोई संतुष्टि नहीं मिल रही है, डीआईएस ऑफिस में जाते हैं उनसे ही संतुष्टि मिली है, तो अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विद्यालय बिटवीन विद्यालय वालों को जो हमारी कल मीटिंग हुई है उसमें निर्णय यही लिया जा रहा है कि पहले हम जो है एक बार पुनः वार्ता करेंगे कि साहब आप जो है जो बच्चों का रिजल्ट कर दिया है और जो आपने प्रमोट कर दिया है, जब कॉलेज द्वारा अंक भेजे गए हैं आप उनको अंक भेजिए, यदि हो सकता है किसी भूलवंश किसी बच्चे का नाम के उसने प्रमोट, क्योंकि बच्चों से संपर्क नहीं हो पाया या कोई बात नहीं हो पाई है, अगर नहीं तो एक बार आप उसको साइड खोल सकते हैं, आप साइड को खोल दीजिए, कॉलेज वाला फिर उस पर अंक चला देगा, उसके नंबर दिए जा सकते हैं। जी विधानसभा में कहीं ना कहीं आपने वित्त विहीनों ने जिस तरह से आकाश अग्रवाल को चुन के भेजा, तो अब आकाश अग्रवाल विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे इस चीज़ के लिए या उठा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर आकाश अग्रवाल बिटवीन विद्यालय के संग हैं, रहेंगे, और उन्होंने बिटवीन विद्यालय की आवाज़ जो केवल यहीं तक ही डीआईएस विद्यालय जिला निज तक की जो दबी रह जाती थी वो विधानसभा में भी उठाई उन्होंने, और पूर्ण रूप से उनके मानदेय के लिए उठाई थी, और इस परीक्षा के लिए जो रिजल्ट घोषित कराना है उसके लिए वो उच्च शीर्ष स्तर पर जो है शिक्षा मंत्री से मुख्यमंत्री से उनसे वार्तालाप करने के लिए संभवत है वो निकल भी चुके होंगे, और अगर नहीं भी रास्ता मिलता है तो कोर्ट जाने के लिए सब बिटवीन विद्यालय और अभिभावक भी तैयार बैठे हुए हैं, तब उसको जो है बोर्ड द्वारा कोर्ट द्वारा भी
इसका निस्तारण हो सकता है? बिल्कुल निस्तारण होना भी चाहिए, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य का सवाल है और छात्र गवर्नमेंट को नहीं जानते, छात्र बोर्ड को नहीं जानते, छात्र जहाँ से शिक्षा जिस संस्थान से शिक्षा ग्रहण करते हैं उस शिक्षण संस्थान को छात्र पहचानते हैं और उसके मालिक को पहचानते हैं, क्योंकि अब भविष्य में भविष्य जो है छात्रों का अधर में लटका हुआ है। ये सोचना होगा शासन को कि जल्द से जल्द जो रिजल्ट घोषित हुआ है उसकी अनियमितताओं को दूर करने के लिए और छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल्दी से कुछ ना कुछ ऐसा फैसला लें जिससे कि भविष्य छात्रों का सुधर सके। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज़।